यह ग्राम है जमुनहा जवाहरपुर गन्ना विकास परिषद कुंभी चीनी मिल कुंभी जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए रेशम सिंह स्मार्ट कृषक हैं सरदार रेशम सिंह जी। मैं स्मार्ट इसलिए कह रहा हूँ आपको इसमें कुछ स्मार्ट तकनीक देखने को मिलेगी जो शायद अभी तक आपने ना देखी हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट कृषक सरदार रेशम सिंह जी। और भैया अपना परिचय आप दे दीजिए। मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जी, अच्छा। और आप हैं देश गन्ना विकास निरीक्षक कुंभी। ये बताइए ये सरसों लगा है जी जी, ये तीन लाइन की मसूर है जी, यहाँ पे गन्ना भी लगा है, दो लाइनों के बीच गन्नों के बीच में लगा है सरसों। सरसों लगा। तो ये जरा तकनीक बताइए किस तकनीक से आपने गन्ना बोया है। तकनीक सर ये हमने अपना प्लांटर स्पेशल टाइप से एडजस्ट किया हुआ है, जो आलू में इस्तेमाल किया जाता प्लांटर उसी को एडजस्ट किया है। तो उसी से अच्छा आलू वाला जो प्लांटर है जी जी जी, उसी से आपने इस तकनीक से आपने गन्ना बोया जी जी। ये मसूर की आपने इस मेड़ पे लाइनें दिया है तीन जी जी, ठीक है जी। ये गन्ना खड़ा हुआ है जी और ये गन्ने का पौधा है जी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी। ये 42 इंच है, 3.5 फुट। 42 इंच जी हाँ। और अगर हम इसकी नाली से और बीच नाली से दोनों के बीच में बात करें तो 5.5 फुट। तो 5.5 फीट जी। तो ये माने गन्ना आपने बोया है ये 5.5 फुट भी मानेंगे इसको। 5.5 फीट दूरी माने एक नाली के बीच से गन्ने की और दूसरे गन्ने की नाली के बीच से जी। दो लाइनें गन्ने की हैं जी, ये जी। जैसे ये है यहाँ पे जी, ये पौधा है जी, और ये है जी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ जी। यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या है। इनके बीच की दूरी सर 24 इंच है। 24 इंच जी हाँ। तो इसके लिए अगर हम गन्ने वाला कोई इस्तेमाल करते यंत्र जी जी, तो वहाँ पे ये इस विधि से गन्ना नहीं बो सकते थे। आलू वाला यंत्र है जी जी जी, तो उसका उपयोग किया जी जी, क्योंकि हम अमूमन या तो दो चौड़े फाल वाले ट्रेंच का प्रयोग करते हैं जी जी, या हम पेड़ रो का जिसमें दो दो चार होते हैं जी, दो दो चार। और आपने आलू वाले से बना दिया जी ये टेक्निक जी, और इसीलिए आपको ये जो दो लाइनों की दूरी है यहाँ पे आपको गन्ने के बीच में 24 इंच मिल गया। 24 इंच उससे मिलता 18 इंच जी, उससे पेड़ रो से। मैं सही कर रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, क्योंकि तकनीक नई है जी और नया आपने काम किया, इसलिए समझाना जरूरी है ताकि हमारे बाकी कृषक हैं उनको अच्छी तरीके से समझ आए जी जी। अच्छा, तो ये आपने निकाल दिया नाली जी और दो लाइनों में आपने बो दिया गन्ना, दो लाइनों में गन्ना, ठीक है जी जी। तो जो 24 इंच की दूरी है उसके बीच में आपने सरसों की कितनी लाइनें? एक लाइन जी। अच्छा जी। लेकिन यहाँ पे दो क्यों लग रही हैं? नहीं दो नहीं, वो एक असल में दाना थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है ना, जैसे हाथ से बोया गया। हाथ से बोया यानी हम एक ही लाइन माने, एक ही लाइन। अच्छा, है ये ठीक है। ये दूरी भैया दिखा रहे थे, ये दूरी जो है ये 24 इंच है जी जी, जैसे ये है 24 इंच और ये यहाँ से ये गन्ना लगा हुआ, जैसे ये गन्ना, ये 24 इंच। इसके बीच में इन्होंने ये एक सरसों की लाइन दी है, एक लाइन, और ये जो अभी आप कह रहे हैं ये 42 इंच हो जाएगा। ये 42 इंच है। हम इसके बीच से गन्ने हाँ, वाली नाली के बीच से और इसकी नाली की अगर सेंटर की बात करेंगे तो 5.5 फीट है, तो 5.5 फीट। इस गन्ने से और इस गन्ने की दूरी जो ये है ये 42 इंच है, और 42 इंच की दूरी पे आपने बो दिया है मसूर की तीन लाइन है। मसूर आपने लाइन से बोया है, तो ये कैसे बोया है आपने? ये सर प्लांटर में ही, जो हमारा गन्ना बोने वाला प्लांटर हमने बनाया है उसमें ही हल लगा दिए, प्लांटर में ही दो हल फिट कर दिए। एक काम और आपने नया कर दिया। बिल्कुल नया किया है सर ये। आपने ही दिमाग लगाया क्या? हम थोड़ा सा ये करते हैं, ये दिमाग आपका ही है लगा उसमें? अब सर आप ही लोगों की मदद से करते हैं, आपका ही दिमाग है उसमें लगा। असल में मैं बताऊं आपसे, नहीं पहले साइड में हुआ, यहाँ से मैं बता दूं पूरी बात। हमारे यहाँ किसान मेला लगा था, किसान मेले में एक मशीन आई थी जो इस तरीके से लाइनों से बुआई करती थी, ठीक है। उससे मैंने बहस की तो उसने उसकी कीमत मुझे कुछ ज्यादा बताई, उसने कहा 25,000 रुपए में आपकी ये कंप्लीट होगी एक मशीन जी। तो फिर मैंने उसे दिमाग में, इसको यार अपने हल पे एडजस्ट करेंगे तो हमको और खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए महंगा पड़ेगा। तो उसकी काफी समझ लीजिए आप चाहे, या सीधे यंत्रों में मैंने उसमें 3 हल फिट कर दिए। ये दिमाग आपका ही लगा है? अपना ही है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 70 साल है। इसमें लगती तो नहीं है? अब नहीं लगता, वो आप ऊपर वाले की मर्जी है, आप लोगों की उम्र का राज तो अलग से पूछेंगे जी। तो वो फिर मैंने सीधा लगाने के बाद फिर मैंने सोचा अब इसके ऊपर, पहले तो अभी ट्रायल ही चल रहा है। ये जो आलू वाला था आपका मशीन, उसी को कैसे कर दिया आपने? ये यहाँ पर कैसे लाइनें दे दी उसमें? उसमें मतलब उसी तरीके से हल बनाते हैं हम लोग, जैसे मशीनों में हल लगते हैं। टेक्निक से बनवा दिया? टेक्निक से मैंने खुद ही उसको फिट करा दिया। लड़के यहीं वाले बगल में ही है,
उन्हीं से करवा लिया। यहाँ पे तीन लाइनें जो है आप, हाँ, वो तीनों लाइनें मैंने कंप्लीट कर दी सिर्फ। अभी आपको हल भी दिखाएंगे, वो लगा है उसमें? हाँ, लगा लगा, अभी पूरा हल भी दिखाएंगे तो देखिएगा ज्यादा मान के चलिए। उसमें अगर मैं वैसे तो मशीन ऑटोमेटिक फिट करता हूँ, मशीन उससे चला देती जी, लेकिन फर्स्ट ईयर था, मैंने कहा पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, तो तीन लेबर उसमें बैठा दिए रेजर। वो डालते गए दाना, जैसे हमने बुवाई शुरू की तो वो तीन लेबर एक्स्ट्रा लगे मेरे, वो पीछे हल पे बैठ गए अपना दाना हासिल। मसूर के लिए आपने मशीन से बुवाई की उनको बैठा के? हाँ, ये मसूर की तीन लाइनें हैं जी, तीन लाइनें। इनके बीच की दूरी कितनी है लाइनों? ये इधर गन्ने से जो पहली लाइन पड़ेगी वो 12 इंच पे है, उधर गन्ने से 12 इंच पे, और बीच की दो लाइनें 9-9 इंच पे है। 9-9 इंच पे, अच्छा। तो जब इस विधि से आप बुआई करते हैं जी, तो सरसों का एकड़ में सीड कितना लग जाता है? सरसों का सीड सर कोई विशेष तो अनुमान नहीं लगा, लगभग 1 किलो के हिसाब से हमारा एकड़ में। एकड़ में ठीक है। और मसूर का एकड़ में बीज कितना लग जाता है जैसे आपने बोया है? 7-8 किलो के हिसाब से ठीक है ना। ये खेत की बुआई किस तिथि की है, कब बोया गया ये? ये 25 अक्टूबर की बुआई है। इसके पहले इस खेत में क्या था? इससे पहले इसमें धान था जी। ये गन्ना प्रजाति जो आपने लगाई है वो कौन है? ये 0118 प्रजाति है। एकड़ में आपने कितना सीड डाला, एक आंख का, दो आंख का या तीन आंख? ये दो आंख का सीड सर पड़ा है, 20 से 22 क्विंटल। 20 से 22, जैसे आप कह रहे थे 42 इंच, और बीच से जो सरसों की लाइन के बीच नाली के बीच से मैं बात कर रहा था, हाँ, वहाँ से 5.5 फीट जी जी। तो जब आप गन्ने का एवरेज निकालेंगे तो आपका औसत जो आ जाएगा वो 32 इंच आ जाएगा, कितना? हाँ, 32-33 इंच ऐसे आ जाता है। तो इसका मतलब आपके गन्ने की लाइनें तो उतनी मिलेगी? लाइनें 32-33 इंच जितनी एकड़ में आती है उतनी आएंगी, उतनी आएंगी, यानी आपके गन्ने के पौधे कम नहीं होंगे? नहीं, पौधे नहीं कम होंगे। तो आप ये बताइए कि आप एकड़ में कितना सरसों का उत्पादन जैसी खड़ी हुई है इसका लेंगे? 4 क्विंटल प्रति एकड़ तो निकल जाना, ज्यादा भी निकल सकता है। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन इसकी है ये 4 क्विंटल तक, 4 क्विंटल अच्छा जी निकाल सकते हैं। तो 4 क्विंटल आप सरसों निकाल लेंगे जी जी, और जो हमारे कृषक बंधु 3.5 या 4 फीट पे लगाए होंगे जी, बहुत ज्यादा वो 5 क्विंटल निकाल लेंगे या 6 क्विंटल, क्यों? हाँ, लेकिन यहाँ पे लेकिन ये इसलिए लगा हुआ है कि आप मसूर की भी लाइन ले रहे हैं ना हमको, तो ये बताइए कि एक साथ आप डबल इंटरक्रॉप ले रहे हैं जी। तो अब ये बताइए ये मसूर से कितना उत्पादन होगा, और मसूर ढकी भी नहीं है, अच्छी भी है मसूर? हाँ, अगर प्रकृति के प्रकोप से बच गई, सामान्य परिस्थिति की हाँ, बात कर रहा हूँ, तो ये कम से कम 3 से 4 क्विंटल मसूर भी निकलेगी। तो 3 से 4 क्विंटल आप मसूर ले लेंगे जी जी। 4 क्विंटल लाही भी हो जाएगी, लाही भी हो जाएगी जी जी जी। एक एकड़ जब आप गन्ने की यानी खेत की तैयारी से लेके और चीनी मिल की सप्लाई तक जब आप तौलाने जाते हैं जी जी, एक एकड़ गन्ना तौला देते हैं जी, तो एकड़ में लागत कितनी आ जाती है? कम से कम 40-45 हज़ार, 40-45 हज़ार आपकी लागत आ जाएगी, आ जाती है एकड़ मतलब हार्वेस्टिंग के पहले पहले। हार्वेस्टिंग इसमें नहीं जुड़ती फिर? हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, चीनी मिल के तौलने तक, तौलाई तक फिर तो ज्यादा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 से 65 हज़ार, 70 हज़ार, 60-65 हज़ार मान लेते हैं। हम उसी की बात करते हैं कि आपके खेत की तैयारी से लेके और जितने इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं और गन्ना काट के आप चीनी मिल पे तौला देते हैं, वहाँ तक का खर्चा कितना बताया आपने? सब कम से कम 60 से 70 हज़ार, 60 से 70 हज़ार मान लेते हैं जी जी। और आपका मसूर से और सरसों से जो अर्निंग हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी? अब ये 4 क्विंटल अगर हम मान ले जो आप बता रहे हैं सरसों, और 3 क्विंटल मसूर, 40 से 50 हज़ार रुपए हमको, तो 40 से 50 आपको वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगा जी। तो काफी राहत हो गई? हाँ, काफी राहत हो जाती है सर, काफी राहत, और इसलिए प्रयास किया जाता है जी। अच्छा, क्या ये जो आप फसल मसूर ले रहे हैं और सरसों ले रहे हैं जी, इससे गन्ने की उपज प्रभावित होती है? इससे गन्ने की उपज नहीं प्रभावित, बिल्कुल होती नहीं प्रभावित होती, मैं वही जानना चाह रहा हूं। इफेक्ट नहीं इसका है हाँ। गन्ने पे कोई प्रभाव? गन्ने पे प्रभाव नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता है। अच्छा, तो एकड़ में आप गन्ना कितना उत्पादित कर लेते हैं? मैं अगर इसी की बात करूं, 18 पहले भी लेते रहे हूं, इससे अगर मौसम का साथ मिला, जैसे बरसात और साथ बढ़िया हो गई, तो आप मान के चलिए 500 से 600 क्विंटल एकड़ का निकलेगा ये गन्ना। सरसों भी उतनी ले लिया, मसूर के बाद में गन्ना 500 से कम, सीओ 0118 जी, 0118 मैंने निकाला, 650 क्विंटल पिछले साल में। सुन लीजिए, हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप लोग सुनिए, ये बहुत एक ऐसा प्लाट मिला है जो काफी तकनीकी मामला है। हम उसी से निकालते हैं जितने टोकन हमारे तुलने के बाद वापिस आते हैं, तो अब उसको टोटल हम लेबर को हिसाब जब देते हैं तब लगाते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपने बुआई किया तो इसमें एकड़ के हिसाब से कौन सा उर्वरक और कितना डाला? इसमें उर्वरक तो सर हम लोग NPK मिक्सचर ही बना के डालते हैं, तो मिक्सचर ही मिल जाता है हम लोगों को बना हुआ वगैरह का। अच्छा, NPK वो कितना एकड़ में प्रयोग करते हैं? टोटल तो 2 से 3 बैग हो जाता है, बस 2 से 3 बैग एकड़ में। और क्या डालते हैं? बस उसके बाद ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या डालते हैं, क्योंकि आप 500-600 क्विंटल उपज लेते हैं। जी 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 हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट सर मार्केट में सब बने बनाए मिल जाते हैं, वही लेके डाल देते हैं। कितना एकड़ में डालते हैं?
उसकी डोज तो सर हो जाएगी कम से कम 50 किलो भी पूरी फसल तैयार होने वो में। फसल के किस अवस्था में आप डालते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट? तो देखिए पहले दे चुके हैं सल्फर वगैरह, तो हमने पहले सल्फर एकड़ में कितना देते हैं? सल्फर जरूरी है इसके लिए सर? 20 किलो लगभग दी है बुआई के टाइम में सर, दानेदार सल्फर आती है 20 दानेदार। अच्छा 15 से 20 किलो बुआई में डाल देते हैं। जो आपने उर्वरक दिया है वो गन्ने के लिए, अगर आपको अलग से गन्ना बोना हो तब भी आप उतना उर्वरक देंगे, और मसूर और सरसों ले रहे हैं क्या उतना उर्वरक से ही काम चला लेंगे और या अतिरिक्त देंगे आप? मसूर और सरसों में हमने सर कोई उर्वरक नहीं दिया, ये बगैर किसी उर्वरक के है, गन्ने की नाली में ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगर आप प्योर गन्ना बो रहे होते तब भी इतना उर्वरक देते? उतना ही डालते। और दो फसलें ले रहे हैं तब भी आप उतना ही डालते ले रहे हैं? तो मसूर का असल में ऐसा है, बताएं आपसे, मसूर की जो फसल है ये हमको उर्वरक एक्स्ट्रा नहीं चाहती, दलहनी फसल है और इसके लिए जो हमने धान की फसल में दे रखा है उर्वरक वो इसके लिए बच जाता है। लेकिन सरसों के लिए? सरसों के लिए गन्ने की नाली में जो बगल वाली में पड़ा हुआ है फर्टिलाइजेशन भरा, जैसे दो लाइन है बीच में, इसके बीच में ही है ना जो उसमें पड़ा है, इसकी जड़ इतनी लंबी होती है साइड से ले लेती है अपना और इसको मिल जाता है साइड। अगर आप एक एकड़ सरसों बो रहे होते प्योर जी अलग से, हाँ तब तो आप उसमें कुछ देते उसमें डालते कितना देते तब उसमें तब हम लोग डालते हैं 2 बैग सुपरफास्ट। तो वही वाला नहीं, तो वही वाला 2 बैग आपने इस खेत में क्यों नहीं दिया कि सरसों को फिर भी चाहिए होगा? नहीं वो गन्ने का भोजन लेगा ना, गन्ने की दो लाइनों के बीच में हमने इसको लगाया, दोनों लाइनों में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसमें हमने डाल रखा सल्फर भी डाल रखा है, उसमें एनपीके भी डाल रखा है, ठीक है ना। गन्ने के अलावा गन्ने की लाइनों में डालते हैं सर, आप समझिए इस बात को, गन्ने के लिए आपने डाला, गन्ने के लिए डाला, लेकिन एक एक जगह रुकता नहीं ना, इसकी जड़ तो ग्रोथ करती है साइड को, लेकिन है तो खेत से ही ले रहा है, खेत से तो लेगा तो खेत से, उसी से तो गन्ने के लिए आपने डाला था ना वो गन्ना, अब इसके बाद में जिसको निकालेंगे फिर उसको दे देंगे सर, एक्स्ट्रा कुछ देंगे ना? हाँ बिल्कुल देंगे, फिर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो मैंने बताया लगभग 3 बैग हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं देंगे तो फिर ऐसे ऐसे प्रत्येक साल करते जाएंगे तो फिर ताकत कम होती है, ये तो हम बात मानते हैं। इसलिए जो फसल को आपको उर्वरक चाहिए हो तो जाएगी जी, तो या तो फिर दोनों फसल प्रभावित हो जाएंगी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में हो जाएंगी, फिर वो लॉन्ग टर्म तो इसलिए जितनी जरूरत है उतनी सर मिल जाती है साइड से। हाँ फिर भी जी, देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। हाँ दे देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अच्छा मिट्टी चढ़ाते हैं गन्ने पे आप? हाँ मिट्टी चढ़ाते हैं। कितनी बार? मिट्टी तो एक ही बार वैसे चढ़ती है, लेकिन हमारी हर जुताई में कुछ ना कुछ हो जाता है, वो तो खैर पानी लगाते हैं। अभी जब इसकी नाली गिराएंगे तब इसमें मिट्टी आ जाएगी नीचे। गन्ने में आप 500-600 क्विंटल इसी गन्ना प्रजाति CO0118 की उपज लेते हैं, उसमें बधाई कितनी कराते हैं? बंधाई सर 2 से 3 हो जाती है, इतनी अगर उपज ले रहे हैं तो बंधाई 3 करनी पड़ेगी। हाँ 3 तो हो जाती है, 3 के बाद चौथी तो पर्याप्त मात्रा में अगर जूट पड़े तो देते हैं, वरना चौथी नहीं, लेकिन 3 तो आप मान लीजिए कॉमन ही है, 3 तो बंधाई करनी पड़ेगी। चलिए अब ये बताइए, हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूं कुछ छूटने न पाए। अच्छा जी, आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैं आपसे ये बात नहीं पूछ पाया और आप हमारे अन्य कृषक भाइयों को वो जानकारी देना चाहते हैं, कुछ छूटा हो तो? नहीं छूटा तो कुछ नहीं, बस यही होता है कि जैसे मेन क्रॉप हमारी गन्ना रहती है, तो गन्ने के लिए हम उस वक्त भरकस पैरकस करते हैं, हमारा गन्ना कहीं से कमज़ोर ना हो और उसका जमाव भीक ना हो। देखिए अब इसमें देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे एक लाइन से जमा हुआ गन्ना, जमाव अच्छा है जमाव आपको अच्छा। एक भी और इसके लिए आपको प्रयास ये हम लोग करते हैं, सीड की कटाई से बुवाई तक विशेष ध्यान देते हैं, बिल्कुल बगैर हसीए के छीलना, 2 बेड का उसको काटना, उस वक्त भी खेत में खड़े जाते सर उतनी देर, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो खेत में गिर नहीं जाए तब तक खेत नहीं छोड़ते। आधा फसल का उत्पादन आप वहीं तय कर लेते हैं अगर आपने बीज सही डाल दिया, बीज सही पड़ गया, और अगर जमाव हो गया ना तो 75% तय हो गया। अगर पौधे नहीं होंगे वहाँ पे जी, तो आप कितना भी उर्वरक कितना भी मेहनत कर लो फिर कुछ नहीं होता, एक बार पौधे आ गए तो फिर उत्पादन आपके हाथ में है। और दूसरा एक उसमें मेन कारण ये रहता है सर गन्ने की बुआई का जी, जैसे हम लोगों ने खेत में सीड डाल दिया जी, उसके बाद पता लगा वो 2 दिन तक खुला पड़ा है, 3 दिन आपने पटेला नहीं दिया या उसको ढका नहीं जी, जी बहुत बड़ा फैक्टर इस बात का होता है। मिट्टी कैसे गिराते हैं? बस वही तो यहीं पे होता था, मतलब ये बीच की नाली जब हमने जैसे इसमें मिट्टी कैसे गिराते हैं? इसमें हल से डाली सर मिट्टी, ये जमाव बढ़िया है। हाँ अगली बार इसमें हम ट्रैक्टर से ही अपना एक हल बनाएंगे ऐसा जो ट्रैक्टर से चलेगा और अपने मतलब भर के नाली भी गहरी कर देगा, जो मिट्टी वही हल मिट्टी भी गिरा देगा दोनों साइड को और नाली भी तैयार कर देगा। आप जरा हमारे किसानों को भी ये सलाह दे दीजिए ना, कुछ जो आप देना चाहते हैं। अब किसानों को तो हम क्या सलाह देंगे सर, किसान रात दिन इसी में मरता रहता है अपने दौड़ धूप के अंदर। आप फिर भी अच्छा कैसे कर सके? ये है कि अगर वो थोड़े से ध्यान देकर अपनी खेती को करता है तो ना प्रॉफिट सही, लेकिन अपना बैलेंस तो बचा लेता है कि हमने जो खर्च किया हमारा वो वापिस आ जाए
और जो लेबरी हमारी वो ही मिल जाए। किसान को लेबरी सर मुश्किल से मिलती है, तो ये इससे लागत निकल जाए, इससे हमारी लागत निकल जाती है और उसने उसकी जो लेबरी उसने खुद कर ली वो उसकी बचत हो जाती है जी। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और समय समय पे आपसे ये जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर, और आपकी लंबी उम्र का राज बाद हम पूछेंगे। डबल फसल ले रहे हैं, डबल इंटरक्रॉप, सेम टाइम में एक समय में दो फसलें। जी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर, और हमारे अन्य कृषक भी इसको प्रयास करें, प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों को जानकारी जो चाहिए होगी हम उपलब्ध हैं हर वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जो नई तकनीक से इन्होंने गन्ना बोया है सरदार रेशम सिंह जी ने, तो कैसे उन्होंने बोया है जिसमें वो एक साथ में सरसों और मसूर की सहफसली ले रहे हैं गन्ने में। और उसके लिए मैंने पहले भी इनसे पूछा था कि जो हमारा ट्रेंच है जिसमें दो चौड़े वाले फाल होते हैं वो, और एक होता है पेयड़ रू वाला जिसमें चार फाल होते हैं जिसको पेयड़ रू बोलते हैं, 18 इंच और वही करीब 18 42 पे इन्होंने गन्ना बो दिया है। वो किसी दूसरी टेक्निक से बोया है जिसमें 24 इंच पे गन्ने की दो लाइनें हैं और फिर बीच में गन्ने से गन्ने की लाइनें, यानी एक नाली से नाली के बीच की दूरी, और जो गन्ने की दो लाइनें 24 इंच वाली उनके मध्य से 5.5 फीट है जी, 5.5। और ये जो गन्ने की अगर लाइनों से वो करेंगे तो 42 इंच हो गया, तो दो गन्ने की लाइनें 24 इंच, गन्ने की लाइनों के बीच में जो अंदर वाली हैं वो 42 इंच, उसके बीच में मसूर की तीन लाइनें और 24 इंच के बीच में सरसों की एक लाइन। तो ये कैसे इन्होंने कूड़ निकाला है, तो ये अब वो हल देखिए, अभी तो हम खेत में थे, अब मौके पे, अब जरा आप समझाइए। ये सर इस यंत्र का नाम बताइए। ये प्लांटर, आलू वाला प्लांटर बोला जाता था, आलू वाला प्लांटर, आपने गन्ने वाला प्लांटर बना दिया, खोल के हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्या खोला इसमें? इसके ऊपर इसका मशीन का जो डोगा हम लोग बोलते हैं जिसमें माल भरते हैं, जैसे आलू का बीज भरते थे, अच्छा वो खोल दिया, जो इधर रखा हुआ है वहाँ, चलिए खोल दिया, हाँ, कबाड़ में रखा हुआ है, ठीक है। उसको खोलने के बाद फिर उसका जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है उसको घुमाने वाला, चलाने वाला, आलू की आलू में दूरी, इसकी दूरी यहाँ से वहाँ तक रहती है, आपने बढ़वाया? हाँ, ये नहीं बढ़वाया, थोड़ा सा बढ़वाया है ना, ये इतना बढ़वाया है, ये बढ़वाने के कितना बढ़वाया, 6 इंच इधर बढ़ा आलू वाली मशीन। ये दरअसल में ऐसा था, ये पहले बढ़वाया था जब हमने, तब इसमें हमने तीन हल लगाए थे, अब ये दो ही हल बोते हैं, वो 6 लाइन बोता था, लेकिन उसकी दूरी बीच की जो ये लाइन से लाइन की अंदर वाली दूरी थी वो 15 इंच थी। अब ये वाला यंत्र आलू की बुआई के लिए हो गया या गन्ने के? नहीं, ये आलू भी बो सकता है, अभी इसको खोल के फिर एडजस्ट कर देंगे, आलू भी बोएगा। क्या खोलेंगे? इसके जो फाले जो है यही एडजस्ट करेंगे खोल के। अच्छा, ये बताइए जो अभी आप स्क्रीन पे जो खेत में चर्चा हो रही है आपसे, जी जी, तो वो कैसे अब वहाँ कूड़ निकालते हैं, दूरी कैसे बताते हैं? वो हमने एक हल यहाँ से खोल लिया इसका सर, आलू वाला एक हल इसका खोल लिया और इसकी दूरी जो एडजस्ट करते हैं। तो ये दूरी कितनी हो गई दो फाल ये के? अब दो फालों के बीच की दूरी 24 इंच, 24 इंच, ये वाला जी जी जी, थोड़ा नजदीक दिखा, ये 24 इंच हो गई, ये 24 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक फिर बीच का एक हल खोल लिया तो ये 42 इंच, 42 इंच जी, यानी 24 इंच जी और 42 इंच, और ये हो गया आपका 42 इंच जी, ये जी, ये फिर 24 इंच, ये फिर 24 इंच। अच्छा, 24 इंच, 42 इंच, 24 इंच, हाँ जी जी। इस 24 इंच के बीच में आपने दो गन्ने की लाइनें दिया,
हाँ ये दो लाइनें हो गई इसमें, हाँ। दोनों हल हैं, दोनों हल के दो फाल में आएंगी, दो गन्ने की लाइनें, वहीं पे आपने सरसों दिया है बीच में, एक लाइन इसके बीच में सरसों दिया, यहाँ इसके बीच में जी ठीक है। और ये 42 इंच है, इसमें आपने मसूर दिया, इसमें मसूर दिया, तीन लाइनें मसूर की, तीन हल पीछे लगा रखे हैं। और ये देखिए सिस्टम इन्होंने जुगाड़ बना दिया है, जुगाड़ बना दिया लेबर से करने का ये। और इस पे बैठने वाला है ये इंतजाम, पीछे प्लेटफॉर्म लगा, पीछे ये वाला है, ये बैठने वाला इंतजाम है, इस पे श्रमिक बैठ जाते हैं तो मसूर इसमें डालते रहते हैं, हाथ से डाल देते हैं, यही टेक्निक है जी। तो ये मशीन देखिए जिससे आपके द्वारा ये गन्ना लगाया गया है, जिसमें एक समय में दो सह फसल ली जा रही है। अच्छा, उन मसूर की जगह जी सरसों भी ले सकते थे आप? हाँ सरसों भी ले सकते थे, लेकिन सरसों की फिर एक लाइन ले पाते सर, एक लाइन ले पाते, यानी वहाँ कंपटीशन हो जाता। हाँ, यहाँ एक दलहनी हो गई और एक तिलहनी हो गई, तो दोनों के साथ में कंपटीशन नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है, एक बड़ी है ठीक है, एक जल्दी निकल जाएगी, एक थोड़ा देर में निकलेगी, देर में, एक तिलहनी है एक दलहनी है, यानी एक जमीन को जो उपजाऊ भी बनाती है वो भी फसल है। तो देखिए ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये यंत्र है, तो ये देखिए आप, तो ये गन्ना बुआई का एक नया यंत्र जी, हो सकता है हमारे कृषक बंधु पहली बार इसको देखें। और यदि आपको लगता है कि ये आपके काम का है और इससे कुछ आपको लाभ हो सकता है तो इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बढ़िया यंत्र भी दिखा दिया। डिप्टी साहब आ जाइए, तो अभी जो आपको मैं 24 इंच 42 इंच 24 इंच के बीच में जी दो गन्ने की लाइनों के बीच में, हाँ, एक लाइन यानी गन्ने की दो लाइनें 24 इंच पे जो थी उसके बीच में आपने जो सरसों की एक लाइन लाही की दिया है जी जी, उस वहाँ पे ये यंत्र इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये यंत्र ये क्या काम करता है? वहाँ पे सर जब लाही, हम लाही का बीज लगाते हैं तो लाही का बीज खुला रह जाता है और जो नाली उसको बंद नहीं करना चाहते तो बीज को ढकने के लिए इस यंत्र का इंतजाम करते हैं। तो वहाँ पे गन्ने पे तो आप मिट्टी चढ़ाते होंगे? हाँ, तो गन्ने पे मिट्टी चढ़ जाती ना, पहले चढ़ा देते, वो तो हल से चढ़ा दी गई। अच्छा, और लेकिन जब नाली उसमें बनी तो उसमें बीज लगाते हैं, फिर अब उस बीज को फिर कैसे झापे उसके लिए फिर इस यंत्र तो का उसमें ऐसा भी हो सकता है, आपने गन्ना लगा दिया फिर लाही लगा दीजिए, गन्ने में मिट्टी चढ़ाई तो उतनी सरसों भी गिर जाएगी? नहीं, फिर वो गन्ने की लाइन में गिर जाएगी सरसों, इस वक्त गन्ने की लाइन में कोई सरसों नहीं, गन्ना सेपरेट लाइन में जमा हुआ है, लाही सेपरेट लाइन में है। हाँ, दो लाइनों के बीच, दो लाइनों के बीच में है ना, और अगर हम पहले लगा देते तो वो जो सीड है वो जो उसको नाली बंद करते वक्त सारा गन्ने की लाइनों में आ जाएगा, तो गन्ने की लाइनों में ना डाल के उसको अलग सेपरेट लाइन में है वो। अच्छा जी, ये उसका फायदा। तो यानी दो गन्ने की लाइनें हैं, उसके बीच में जो आपने सरसों बोया है जी जी, उस पे मिट्टी गिराने के लिए, उस पे मिट्टी, वो सरसों के बीज को ढकने के लिए, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं पाटा लगाने के लिए, तो फिर इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ये नाली भी हमारी बरकरार रहती है और बीज भी ढक देता है। तो ये कैसे ढकता है उसको? ये मिट्टी को थोड़ा सा समेटता हुआ चलता है और जो लाइन हमने नाली खोदी उसकी जो साइडें होती हैं उसको थोड़ी प्रेस कर देता है, दाब देता है, मतलब जैसे श्रावण पाटे का काम करता है उसमें। अच्छा जी, और पाटे में काम करता हुआ उसके ऊपर नाली बीज भी ढक जाता है और लाइन भी नहीं बिगड़ती। अभी जो ये टेक्निक आपको दिखाना चाह रहे हैं तो ये है जी, तो आपने क्या किया कि जो आलू वाले जो मशीन है जी उसका इस्तेमाल किया आपने, गन्ने की लाइन स्टिकर लाइन खींच गई, तो आपने क्या किया, ये पूरा यंत्र आपका कोण निकाला ठीक जी, है जी जी। तो ये तो आपकी हो गई 24 इंच जी ठीक है जी, ये 24 इंच दो 24 इंच ये हो गई 42 इंच जी जी, ये जी ये 42 इंच हो गई जी, ये फिर 24 इंच हो गई, ये 24 इंच हो गई। आपने गन्ना डाला यहाँ पे जी, एक लाइन जी ठीक है, फिर आपने यहाँ पे गन्ना डाला हाँ, और यहाँ पे ये 42 इंच बीच 42 इंच बीच तीन लाइन, यहाँ से इसके बीच से और इसके बीच से हो गया ये 5.5 फुट हो गया, 5.5 फीट जी, 66 इंच 66 इंच जी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 66 इंच हो गया जी। अब आपने क्या किया कि यहाँ गन्ना बो दिया इस नाली में जी, यहाँ गन्ना आपने इस नाली में बो दिया जी, और यहाँ पे लगाई हाँ हल लगा करके और इसके गन्ने के दोनों साइड की जो गन्ने के यहाँ पे ऊंची मेड़ रही होगी ना, हाँ पहले तो मेड़ होती है, हाँ बेड होती है, बेड को गिरा देते हैं दोनों साइड को, किससे गिराते हैं, ये हल है देसी वाले। अच्छा, उससे हलाते हैं तो ये वाली मिट्टी ये मेड़ वाली इधर हाँ, चली गई, इधर चली गई आधी, उधर चली गई, तो गन्ने का सीट ढक गया हमारा, तो गन्ने का सीट ढक गया जी। अब आप सरसों कैसे बुआई करते हैं? अब इस जब जो लाइन हमने खींच इसमें बीच में जो हल डाला तो एक नाली बन गई। अच्छा, नाली बनी तो नाली में बीज डाला, हल डाला, ये बैलों से चलने वाला था फिलहाल, गन्ने मिट्टी गिराई जी। अगले बार जो है
वो वही हल। इसमें आपने सरसों चला दिया, नाली बन गई, इसमें सरसों आपने चला दिया जी जी, जैसे इसके बीच से इसके बीच यहाँ पे सरसों चला दिया जी। ये नजदीक से दिखाना जरा, ये सरसों चला दी, यहाँ नाली बन गई और गन्ना इधर ढक गया, इधर गन्ना भी ढक गया, नाली बन गई बैलों वाला जी, वो बैलों वाले हल से कर दिया। अब ये सरसों सीट डाल दिया आपने जी जी, श्रमिक लगा के, हाँ श्रमिक से डलवा दिया यहाँ पे जी जी, दो सरसों हो गई इसमें जी। तो इस सरसों को ढकने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इस सरसों के बीज को ढकने के लिए जैसा, तो ये वाला, ये वाला यंत्र चला दिया उसने, तो ये वाले इसकी फली जो है, ये वाली फाला खोल दिया, पे आएगी ये सेंटर में आएगी इसके, ये जब नाली हम काट लेंगे ना, यहाँ पे जब नाली कट गई ये वाली, ये नाली जब काटेंगे तो ये मिट्टी यहाँ जो बेड है उसको दोनों तरफ को गिराएगा, ये गन्ने का बीज दब गया, ये गन्ने का बीज दब गया। वो तो आपने बैल वाले हल से पहले, बैल वाले हल से कर दिया। हाँ। और बैल वाला हल चलता रहा, उसके पीछे हमारा लेबर उसमें लाही का बीज बो रहा, ठीक है, उसने लाही का बीज बो दिया। अब लाही के बीज को हम कैसे ढके? हाँ। उसके लिए फिर ये यंत्र चला दिया बैल से। तो ये इसका ये वाला फाल फिर कहाँ पे आएगा? वो खोल दिया इसके नाली में, यही पे आएगा बीज में, वो बस ये जो पंखे लगे हैं ये दोनों तरफ को इसको प्रेस करेंगे, ये खोल देंगे ना जी जी, ये खुला नहीं, खुल जाए, इस वक्त तैयार खड़ा है, इसमें हल लगता है और एक फाला इतना बड़ा, जैसे वो कल्टीवेटर लगे है। इसमें और कुछ लगेगा? पहले लगता था जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तब वो लगता है, इस वक्त मिट्टी नहीं चढ़ा रहे, इस वक्त हम सिर्फ बेड को प्रेस कर रहे हैं, जो बेड हमने बोई उसको तो प्रेस करेगा। चलेगा ये इसी में चलेगा, इसी में जैसे जैसे खड़ा है इस बेड में चलेगा, इस लाइन इसी में हमने लाही वो रखी है जी। हाँ देते हैं दोनों, हाँ दिखा वो इसकी वजह से मिट्टी में मिलाना है, उसको प्रेस करना, दाबना है ना मिट्टी में, मिट्टी में मिलाना, ऐसे मिलेगा वो, हाँ यस वो ऐसे मिट्टी में मिलता है। तो ये देखिए ये है, सही कह रहे हैं आप, बेड ऊंचा होने का कारण ये जैसे आपने जो ये सरसों बोया होगा जी जी जी, हाँ तो ये जहाँ सरसों बो गई है जी जी, उसी के ऊपर चलेगा, उसी तो के चलता रहेगा, किसका देगा? हाँ, उसमें मिट्टी जब गिरती है ना दोनों तरफ से, थोड़ी मिट्टी इसमें फंसती हुई चलती है अपने आप ही, वो मिट्टी प्रेस कर देता है, सरसों के दाने मिट्टी में ढक गए, ढकना यानी मिट्टी को ढकना। तो ये देखिए ये टेक्निक, ये जम जाता फिर वो लाही बार जम जाती, दिमाग चकराने वाली बात है, ठीक है। बैल से भी चलाने का भैया, इस बार आप लोग समझ लीजिए, इस बार तो बैल से चला, लेकिन अगली बार ये ट्रैक्टर से चलेगा, इसमें इम्प्लीमेंट खोले हमको, ये पिने लगा देनी है और ट्रैक्टर के पीछे चला, इस बार बैल से चला है ये, हाँ, अगली बार जो ट्रैक्टर से चलेगा, अगली बार ये कह रहे हैं ट्रैक्टर से चलेगा जी, इसे पिने लगते हैं तो दो पिने लगा के ट्रैक्टर चला देंगे बस, छोटा छोटा ट्रैक्टर, अच्छा छोटे ट्रैक्टर से चलाएंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे, अच्छा तो इस बार तो बैलों से चलाया होगा, तो फिर ये निकाल देना पड़ेगा, ये निकाल देंगे जब बैल से नहीं चलाएंगे तो। चलिए, ये तो ट्रायल का है, सब सिस्टम ट्रायल किया इस साल, नई ही टेक्निक दिखा रहे हैं आपको, देखिए, और एक एक और ये नया हल है, और जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट भी कर सकते हैं, उनको फिर बताया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपने एक और नई चीज दिखाई, हाँ, नया प्रयास है, इस साल प्रयास करते रहिए, प्रयास ही है, आप प्रयास करते रहिए और हम लोग आपसे, चलिए आपसे राय मशवरा होता रहेगा। तो एक ही बैल चलता है क्या? एक ही चल जाता सर, हाँ ये देखिए यहाँ से एक ही बैल चलता है, इससे थोड़ा कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं अगली बार इसको हम छोटे ट्रैक्टर से चलाएंगे, हाँ चलाएंगे यहाँ से जी, तो जब छोटे ट्रैक्टर से चलाएंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएंगे इसके साथ, ये निकल जाएगा और ट्रैक्टर वाला आइटम इसमें लगा, ट्रैक्टर वाला आइटम निकल, तो ये अब आप देखिए भाई ट्रैक्टर से चलेगा जी, ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी चीज दिखाई।